फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जी एंड आज हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी के बारे में जो इंजीनियरिंग और आईटी के सेक्टर के अंदर हैं और इस कंपनी का डीमर्जर होने वाला है। तो जैसे ही डीमर्जर की जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी होने के बाद इसको आपको इस कंपनी से जो भी नई कंपनी डीमर्जर करके निकलेगी उसके शेयर्स आपको मिलेंगे, वो भी 1:1 रेशो के अंदर। और ये कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, काफ़ी बढ़िया आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये अब अनलॉक कर रहे हैं इनका वैल्यू और इंजीनियरिंग का जो इनका सेक्टर है वो अलग कर रहे हैं ताकि इन दोनों सेक्टर के ऊपर अलग अलग फोकस किया जाए और बिजनेस को ग्रो किया जाए। इसका अगर आप स्टॉक देखेंगे KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 216 के ऊपर क्लोजिंग है और 52 वीक लो देखेंगे तो 186 का था और हाई 314, तो लोअर लेवल्स के ऊपर ही चल रहा है। तो ये भी एक अच्छा मौका हो सकता है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से स्टॉक को लेने का, क्योंकि डीमर्जर हो रहा है तो दूसरी कंपनी जो यहाँ से निकलेगी उसके भी आपको स्टॉक मिलेंगे और काफ़ी अच्छे रेट पे मिल रहा है। और इसका अगर आप देखेंगे तो छोटी कंपनी है, 4,270 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एवरी ईयर डिविडेंड देती है, 120% का डिविडेंड दिया था, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। तो इसके लेटर के ऊपर ही हम देखेंगे लगभग, तो ये आप देख सकते हैं कंपनी का जो लेटर था ये मैंने BSE की साइट से निकाला है, आप भी इजीली निकाल सकते हैं। और इसके अंदर लिखा यह है कि ये जो कंपनी है रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और डीमर्जर कर कर दो अलग अलग कंपनीज बना रहे हैं, एक तो रहेगी KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और दूसरी जो डीमर्जर करके आएगी वो रहेगी KPIT इंजीनियरिंग लिमिटेड, ताकि इन दोनों अलग अलग कंपनीज के ऊपर इंडिविजुअली फोकस किया जाए और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन कंपनीज में की जाए। तो इसी कारण जो है वैल्यू अनलॉक हो रही है और न्यू टैलेंट, न्यू रिक्रूटमेंट्स भी होंगे इस कंपनी के अंदर। और जिसके पास भी ये स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज का तो उनको KPIT इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे, वो भी 1:1। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आपको 10 शेयर्स KPIT इंजीनियरिंग के मिलेंगे, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा कम होगा क्योंकि वो एडजस्ट होगा, आपकी वैल्यू सेम रहेगी, खाली जो प्राइस है वो एडजस्ट होगा और आपके शेयर्स जो हैं बढ़ जाएंगे। और इसका अगर आप देखेंगे तो इनको अप्रूवल अभी बाकी है, SEBI का अप्रूवल लेना बाकी है और स्टॉक एक्सचेंज का भी अप्रूवल, जो कि हो जाएगा तो थोड़ा टाइम ज़रूर 1-2 महीने लग सकते हैं। तो सारी चीज़ें जैसे ही होती हैं तो आपके अकाउंट के अंदर डीमैट अकाउंट में KPIT इंजीनियरिंग के स्टॉक जो है इजीली आ जाएंगे और जो KPIT टेक्नोलॉजीज के शेयर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बतानी ताकि आपको भी आइडिया आ सके, अगर आपके पास KPIT टेक्नोलॉजीज के स्टॉक हैं तो आप भी वैल्यू अनलॉक के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड करिएगा, यहाँ से ही स्टॉक के अंदर एक अच्छा फिर मोमेंट आता है तो उसी टाइम आप बेचेगा ताकि आपको प्रॉफिट हो। तो आज इसी के बारे में बोलना था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।